टुडे वी विल नो अबाउट मॉलिक्यूल. आपको नेक्स्ट पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है. अब इस टर्न पे हम सीखेंगे कि एटम्स से मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं. अब मान लो कि मॉलिक्यूल्स होते क्या है. व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल वो एटम की यूनिट है, वो एटम का कॉम्बिनेशन है जिसमें वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी वो एक दूसरे से इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि उस पर कोई चार्ज नहीं हो. तो क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल दो तरीके के हो सकते हैं. एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और एक हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. दिस इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. अब ये दोनों क्या क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, सेम एलिमेंट आपस में, सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन. इसमें हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. क्लोरीन Cl2, ये भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है. एक्चुअली सिंगल एटम के रूप में ये नहीं रह सकते. तो अब ये क्या हुआ कि कोई एटम तो सिंगल रह सकता है, कोई नहीं रह सकता. तो इसके लिए एक टर्म दी गई है एटोमिसिटी. एक टर्म दी गई है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होता है? व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी क्या है बेटा? ए मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जितने एटम उस एलिमेंट के प्रेजेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, एटोमिसिटी. जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन का एक एटम सिंगल नहीं रह सकता, तो वो दो एटम मिलकर रहते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी हाइड्रोजन की क्या होगी, टू. यानी कि टू एटम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो एटोमिसिटी यहाँ हो गई टू. क्लोरीन के लिए एटोमिसिटी क्या हुई, टू. अब अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें, ये भी सिंगल एटम नहीं रह सकता, तो N2, तो ये भी एटोमिसिटी क्या हो गई, टू. उसके बाद और कौन सी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी नहीं सिंगल रह सकता, तो यहाँ पर भी एटोमिसिटी क्या हो गई, टू. तो कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी वन भी होती है. वन किसकी होती है, जैसे नियॉन है, हीलियम है, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती. इनर्ट गैसेस वो जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती. इनर्ट का मतलब ही ये होता है नॉन रिएक्टिव. तो अब जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, गैसेस के नाम आपने शायद सुने भी हों ना भी सुने, लेकिन जो हीलियम गैस है वो गैस और जो नियॉन गैस है, वो जो बोर्ड्स होते हैं, आपने कलरफुल बोर्ड्स देखे होंगे, उसमें वो नियॉन गैस फिल की जाती है. तो जो नियॉन गैस है वो क्या है, एक न्यूट्रल गैस है. तो ये जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जिनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है. आपने अभी फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा, फोर्थ चैप्टर में बताया गया है कि फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो दो मैक्सिमम रह सकते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं सेकेंड शेल में, तो इट मीन्स उसका कंप्लीट ऑक्टेट, यानी कि उसकी जो शेल है वो कंप्लीट है. अब ना उसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है. अब जब उसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, तो वो कैसा हो गया, नॉन रिएक्टिव हो गया, यानी किसी के साथ रिएक्शन वो नहीं करेगा. तो इसे हम कहते हैं इनर्ट गैस. इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन या इनर्ट गैस. इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती है जिनकी लास्ट शेल कंप्लीट होती है. अब लास्ट शेल कंप्लीट है तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ना इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना किसी को देने. तो ये जो है, यहाँ पर जो इनर्ट गैसेस होती है उनकी एटोमिसिटी क्या मानी जाती है, कि वो सिंगल वन एटोमिसिटी में भी रहते हैं, यानी वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो वो एक ही एटम फ्री स्टेट में रह सकता है. उसके अलावा भी कुछ एटम ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं जिनकी एटोमिसिटी वन होती है. अब टू एटोमिसिटी, अब हम वन एटोमिसिटी वाले एग्जाम्पल कौन सा हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया. टू एटोमिसिटी वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन हो गए. थ्री एटोमिसिटी किसकी होती है, थ्री एटोमिसिटी होती है केवल एक ही एलिमेंट दिया गया है, ओजोन. ओजोन जो होता है, ओजोन आपको पता भी है, ओजोन लेयर भी आपने पढ़ी है, लेकिन ओजोन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा. तो जो ओजोन का फॉर्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि तीन ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं. कैसे? जो O2 होता है, O2 होती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ एक O,
क्या करता है, रिएक्ट करता है, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, O3 का मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं ओजोन। तो यहाँ तीन एटम एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई, 3। 4 एटॉमिसिटी होती है फॉस्फोरस की, P4। जो P4 होता है यानी फॉस्फोरस होता है उसके कितने एटम रहते हैं, 4 एटम एक साथ मिलकर रहते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी इसे टेट्रा एटॉमिक कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, एटॉमिसिटी में क्या हो गया, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। तो ये एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी का मतलब है कि कितने एटम उस एलिमेंट के एक साथ मिलकर रहते हैं या फिर वो अकेला रहता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो अब आपको समझ में आया एटॉमिसिटी क्या हुई, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी उसके उस एलिमेंट वो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक एलिमेंट है नियोन, ठीक है, एलिमेंट का नाम है नियोन। अब उसका जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम नियोन के हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। अब जैसे ये हमने बताया कि जो मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोजन, इसमें कितने एटम हाइड्रोजन के हैं तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। ठीक, ये है ओजोन तो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। ये है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में कितने एटम है फॉस्फोरस की, तो ये है 4, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। ऐसे ही बेटा एस होता है सल्फर, सल्फर के 8 एटम एक साथ रह सकते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। हम इतना ज्यादा आगे तक नहीं तो ये पॉलीएटॉमिक यानी कि बहुत सारे एटम एक साथ मिलकर रहते हैं। अब ये आपको एटॉमिसिटी समझ में आ गया, आपको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, जिसमें दो एलिमेंट जो एलिमेंट है उनके एटम सिमिलर हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट के 2 एटम हैं, 3 एटम हैं एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये भी आपने पढ़ा है, इसमें क्या है, डिफरेंट एटम यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम होने चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, जैसे H2O में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर हम एलिमेंट पूछें H2O में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है तो हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर पूछा जाए H कितने हैं तो H है आपके 2 और O कितने हैं 1, इसमें 1 O है और 2 क्या है H। तो ये हो गया नंबर कि कितने नंबर इसमें कितने प्रेजेंट। अब इसे बोलते हैं बेटा हम सबस्क्रिप्ट, आपको फॉर्मूले बनाने भी सीखने हैं, जो भी इसके नीचे लिखा रहता है इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये नंबर जो है सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे की तरफ लिखा हुआ है। आप H2O को ऐसे नहीं लिख सकते, H2O ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, तो हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ये सबस्क्रिप्ट नंबर का क्या मतलब है, इस नंबर का मतलब ये है कि इस एलिमेंट के इतने एटम इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया मैंने NH3, NH3 कंपाउंड का नाम है, अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक एलिमेंट हो गया N यानी नाइट्रोजन, एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या है, आपसे ये पूछा जाए कि कितने एटम नाइट्रोजन के हैं और कितने एटम हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन का एटम है 1 और हाइड्रोजन के एटम है 3, तो ये क्या हो गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट, 2 एलिमेंट है डिफरेंट अलग अलग है और वो एक दूसरे से रिकम्बाइन केमिकली हुए हैं और एक कंपाउंड फॉर्म किया, तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो सबको क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सेम एलिमेंट में बनते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट में बनते हैं और एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं। ठीक, अब चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं कि मान लो CH4 है, ठीक है, तो CH4 अगर पूछा जाए किसका कंपाउंड, किसका एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल हुआ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हुए, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो ये जो सबस्क्रिप्ट दिया गया है नंबर, ये नंबर क्या है, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन इसमें कितने प्रेजेंट हैं। और ये एक और चीज भी बताता है, ये बताता है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि इस
इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। तो जब हम कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो हम ये भी सीखेंगे कि इससे हमें वैलेंसी का भी पता चलता है। केमिकल्स जो इलेक्ट्रॉन जो आपस में एटम कंबाइन करती है वो उनकी वैलेंसी भी उसमें डिटरमाइन होती है, वैलेंसी का भी हमें उससे पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम इसके अंदर देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास को समझाने के लिए आपकी बुक में दिया गया है वाटरमेलन का एग्जांपल। वाटरमेलन के एग्जांपल में क्या है कि हमने क्या किया, एक वाटरमेलन लिया और वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसेस किए, ठीक है। जिस समय जब इस समय पुराना एंशियंट टाइम था तो बैट वगैरह नहीं होते थे, है ना, तो उस वक्त क्या यूज करते थे, हमने कोई मेजरिंग यूनिट बना ली। मान लो हमने ये मान लिया कि ये पैन है और इससे ही हमें सारी चीजों को मेजर करना है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो फोन हो, हमें क्या करना है, इस पैन से मेजर करना है। अब अगर इस पैन से मेजर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पैन से मेजर करने के लिए हमें इस पैन को कुछ मानना पड़ेगा, यानी हमें इस पैन का माप कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने एक एप्रोप्रिएट हमने क्या किया कि एक कार्बन को क्या मान लिया, कार्बन को मेन मान लिया कि हम कार्बन से सारी चीजों को वेट करेंगे, ठीक है। कार्बन का जो एटम है उसको हमने मेन मान लिया, जैसे हमने यहाँ पैन को माना था ऐसे हमने वहां क्या माना है, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने किसको मान लिया, कार्बन को मान लिया कि हम कार्बन के अकॉर्डिंगली ही सबको मेजर करेंगे, सबका एटॉमिक मास मेजर करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन का मास देखते हैं तो हाइड्रोजन का जो मास होता है बच्चों वो होता है मास ऑफ द हाइड्रोजन 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, इतना होता है हाइड्रोजन का मास। अब देखो −24 ये यूनिट कितनी बड़ी है, अगर हम इसको लिख के कैलकुलेट करें तो इट इज वेरी टफ। तो इसको टफ ना रहे, ये इजी मेथड हो जाए, इसलिए हमने एटॉमिक मास को क्या किया है कि हमने उसको क्या किया दिया है, उसको अकॉर्डिंग टू कार्बन लिया है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हुई, ये मास ऑफ द वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के 1/12 के बराबर क्या होगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट हो, और वो हमने ले ली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हमने ले ली कि उसका जो एटॉमिक मास है वो 1, ठीक है। अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है तो बाकी सबका क्या होगा, क्योंकि हमने कार्बन को लिया है 12 यूनिट है, कार्बन का मास क्या है 12, उसके अकॉर्डिंगली जब हमने हाइड्रोजन का निकाला तो उसका 1 है, ठीक है। तो हमने कार्बन से मेजर किया है सारे ही एलिमेंट के मास को ताकि हम इजी कैलकुलेशन कर सकें और एक राउंड ऑफ फिगर बन सके। तो राउंड ऑफ फिगर लेने के लिए हमने एटॉमिक मास को क्या किया है, हमने उसको एग्जैक्टली ना लेके इस तरीके से लिया है। तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ द एटम, वो क्या है, एक रिलेटिव मास है एलिमेंट का, जो एटॉमिक मास है वो एक रिलेटिव मास है, रियल नहीं है, वो एक रिलेटिव है जो हमने रिलेट करके लिया है, किससे, कार्बन 12, जो कार्बन 12 का एटम है उससे रिलेट करके लिया, ठीक है। तो अब हमने 12 को क्या, कार्बन को क्या लिया है, हमने कार्बन को ये बताया, मान लो यही कार्बन है तो कार्बन को हमने क्या लिया है, कार्बन को हमने 12 यूनिट के बराबर मान लिया। अब इसे 12 यूनिट के बराबर मान लिया तो बाकी सारे एलिमेंट इसके अकॉर्डिंगली कि एक यूनिट के बराबर है, इसके 1/12 के बराबर है, इसके 1/13 के बराबर है, या इसके 1/5 के बराबर है, जो भी है, या इसके 5x के बराबर है, जैसे भी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली सारे जितने भी आपके जितने एलिमेंट प्रेजेंट है सबका मास कैलकुलेट किया। और आपकी जो सिलेबस में कुछ का मास दिया हुआ भी है, आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए भी आता है, तो हम टोटल एटॉमिक मास भी करते हैं, सम करते हैं। तो सम कैसे करते हैं एटॉमिक मास का, मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और उसको आपको सम करना है, एटॉमिक मास आपको पता चल गया कि हमने क्या लिया है, इट इज द रिलेटिव मास, रिलेटिव मास किससे लिया है, कार्बन 12 से लिया है। तो अब हम मान लो CH4 एक हमने कंपाउंड लिया और आपसे कहा गया कि इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कीजिए। अब एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें सबसे पहले इसका मास नंबर पता होना चाहिए। मास नंबर बेटा 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट का पहले आपको सारे एटॉमिक नंबर याद करने हैं। याद करने में कैसे हैं, लाइन से याद करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन का नंबर हो गया 8, ठीक है, 9 पर फिर 9 पर आ गया फ्लोरीन, फिर आ गया नियॉन, 11 पर क्या आ गया सोडियम, इस तरीके से 12 पर आ गया मैग्नीशियम, इस तरीके से आपको लाइन से सारे एलिमेंट याद करने, ठीक है, आप 20 तक के पहले याद करो, 1 से लेके 20 तक के याद करें। अब अगर हम इसको देखते हैं तो जनरली या तो जो इवन नंबर है, इवन नंबर को डबल करने से मास नंबर आ जाता है, और ऑड नंबर को डबल प्लस 1, ये सिर्फ एक मेथड है याद करने का, लेकिन जरूरी नहीं है ये सबके लिए फॉलो, लेकिन एक तरीका है याद करने का। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का मैंने आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमने लिख लिया, कैसे एटॉमिक मास आप लर्न करेंगे, पहले तो आप इसको लाइन से याद कीजिए कि हमें याद करना है हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे लिखनी है, एक टेबल बनानी है आप लोगों को, जब तक एक टेबल फॉर्म में नहीं बनाओगे तब तक आपको याद भी नहीं होगी। फिर आपने हाइड्रोजन लिख लिया, इसका क्या हो गया सिंबल, यहाँ पर हमें क्या लिखना है सिंबल, सिंबल क्या हो गया हाइड्रोजन का H, ठीक। अब इसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर भी इसका क्या होता है 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर वैलेंसी, वैलेंसी भी हो गई 1, ठीक है। तो ये आपको कॉलम्स बनानी है इसके अंदर। फिर आपने सेकंड एलिमेंट लिख लिया हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का सिंबल हो गया H, एटॉमिक नंबर हो गया 2, मास नंबर मैंने आपसे कहा है कि डबल ले लेंगे तो ये हो गया 4, बैलेंसी इसके क्या है 0, क्योंकि इसके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको जनरली एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। मैं साथ साथ बताती भी रहूंगी आपको कि किस तरीके से हम वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। तो हमें सबसे पहले वैलेंसी डिटरमाइन करनी आनी चाहिए कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए करना पड़ता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में है होने को, तो लेकिन यही आपको समझना पड़ेगा कि ताकि आपको रटना ना पड़े। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने फिर उसके बाद थर्ड लिख लेते हैं, अभी साथ साथ बताएंगे। हाइड्रोजन हीलियम के बाद आ जाता है हमारा लिथियम, लिथियम का हो गया Li, एटॉमिक नंबर हो गया 3, इसका मास नंबर हो गया 7, वैलेंसी हो गई कितनी हो जाएगी वैलेंसी 1, ठीक है। अब 1 कैसे आई, हमने यहाँ पर 3 इसका एटॉमिक नंबर था, इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे, कॉन्फिगरेशन मतलब कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे कैसे, कि 3 आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स में आपको फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने हैं 2, सेकंड शेल के अंदर हमेशा फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 2, और सेकंड शेल में मैक्सिमम 1, ठीक। अब आपके पास 3 में से 2 गए कितना बचा है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसको अपनी कंप्लीट शेल करने के लिए एक ही तरीका है, सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, लेकिन इस पर तो कुल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे, यानी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देता है तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये शेल कंप्लीट हो जाएगी। अब ये शेल कंप्लीट हो जाएगी तो इट मीन्स क्या होगा, ये शेल अगर कंप्लीट हो जाएगी तो इसका कंप्लीट ये रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। लिथियम के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या हो गया Be, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया 8, वैलेंसी हो गई 2, ठीक है, वैलेंसी इसकी हो गई 2, 2 कैसे हुई कि अब हमारे पास एटॉमिक नंबर है 4, डिवाइड किया आपने 2 और 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा गिव अप कर देगा, तो इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज हमने ये वैलेंसी को डिटरमिनेशन सीखा है, कल आप सब एलिमेंट और उसके सिंबल्स याद करेंगे,
प्लस उसकी टेबल भी।